श्योपुर जिला चिकित्सालय इन दिनों बदहाली के दौर से गुजर रहा है। आपको बता दें कि ये स्थिति है कि चिकित्सालय में लाइट की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। शनिवार सुबह 9 बजे से जिला चिकित्सालय में बत्ती गुल होने से मरीज परेशान हुए। मस भरी गर्मी के चलते जिला चिकित्सालय में घंटों बत्ती गुल रही। वहीं बत्ती गुल होने पर वार्डों में भर्ती मरीज गर्मी से परेशान होते देखे गए। इतना ही नहीं, जिला चिकित्सालय में बत्ती गुल होने से पर्चा बनवाने के लिए लाइन में लगकर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जहां वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत पर्चे पर हाथ से नाम लिखकर मरीजों के पर्चे बनाए गए। देखने वाली बात यह रही कि वैकल्पिक व्यवस्था से पर्चा प्राप्त कर मरीज जब ओपीडी पहुंचे तो बत्ती गुल होने से ओपीडी से डॉक्टर नदारद रहे, तो वहीं ओपीडी में डॉक्टर नहीं मिलने से घंटों लोग ओपीडी में बैठे रहे। वहीं जिला चिकित्सालय में बत्ती गुल हो जाने के कारण सफाई व्यवस्था भी ध्वस्त होती दिखी। स्थिति ये रही कि वार्डों सहित जिला चिकित्सालय के संपूर्ण परिसर में गंदगी पसरी दिखी। इतना ही नहीं, भीषण गर्मी में बत्ती गुल हो जाने पर वार्डों में भर्ती होकर लोग इलाज करवा रहे मरीजों को भी देखने डॉक्टर नहीं पहुंचे, जहां पर गंभीर बीमारी और दूसरी तरफ बत्ती गुल से लोग परेशान होते दिखाई दिए। क्या स्थिति इस मरीज की, कब से हालत खराब है? आज ही भर्ती करिए। कब भर्ती करी थी आपने? दस बजे आपने भर्ती करी। तब कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर कोई देखने नहीं आया, कोई दवा भी नहीं दी से अभी तक। एक बोतल लगा दी, ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दिया और अभी तक कोई देखने नहीं आया। ऑपरेशन में रख रखा है? डिलीवरी महिला या कोई और? लाइट नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में लेगे लेकिन लाइट नहीं है। कब से लेगा ऑपरेशन थिएटर में? आधा घंटा हो गया। अब आपको क्या लगता है कि लाइट नहीं होने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाएगा? ये स्थिति है। हाँ बताओ, क्या स्थिति है इसकी? पेट दर्द है इसका। कब से पेट दर्द है? इसको हो गया 7-8 दिन। 7-8 दिन हो गए। कोई जांच वगैरह करी नहीं? करी नहीं जांच, अभी तक कोई जांच नहीं करी। जांच नहीं करा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर से कही होगी ना जांच करने की? क्या कही डॉक्टर से? कही होगी, बंद है डॉक्टर ने। सोनोग्राफी बंद है, ये डॉक्टर का कहना है। मतलब 8 दिन से आप यहाँ भर्ती हो लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा, ना किसी प्रकार की कोई जांच की गई? कोई जांच नहीं। मतलब 8 दिन से ये बच्ची भर्ती है लेकिन कोई मतलब अभी तक आराम नहीं मिला, सोनोग्राफी नहीं हुई? नहीं हुई, बंद पड़ी है सोनोग्राफी। देखो यहाँ कैसे सही नहीं, कैसे आ जाएगा बगल से? कब से बैठे हो यहाँ पे जिला चिकित्सालय में? 1 घंटा करीब, 1 घंटा 1.25 घंटे। 1.25 घंटे से बैठे हो? डॉक्टर को दिखाने आए? क्या हो गया था? कुछ नहीं, नींद नहीं आती इसलिए आए। डॉक्टर नहीं आया अभी तक? अभी तक सुबह से नहीं आया अभी तक। आपकी और क्या परेशानी है? मेरा पलटी हुई थी, ब्लेड की पलटी भी आई थी। अच्छा। साधा उकार भी आई थी, तो उसने हाथ अंदर की खून जांच करी, न कोई मलेरिया जांच करा और न कुछ जांच करी। वो कहते हैं तो तुम कहते आप तो बढ़िया हो, आपकी छुट्टी कर दें कि पलंग का पट्टा करवा दे। अच्छा, ऐसा कहते हैं? ऐसा कहते हैं। कितना दिन हो गया आपको भर्ती हुए? मुझे हो गया, मैं सोमवार को आया हूँ, रात की 12 बजे। सोमवार को आप आए थे, यानी कि आज आपको हो गए हैं 5-6 दिन हो गए आज आपको। 5-6 दिन में आपकी कोई किसी प्रकार की जांच नहीं? कोई जांच नहीं है अभी तक, ये नहीं। लगा देते हैं दवाई बगैर जांच ही। कल में, कल से भर्ती है। अभी क्या स्थिति है आपकी? याद आ रहा है, अभी आराम मिल रहा है। अच्छा, लाइट कब से नहीं है यहाँ पे? सुबह से नहीं है लाइट। आज सुबह से नहीं है? अभी 2-1.5 घंटा हुआ है, 1.5 घंटे हुआ है। 1.5 घंटे से लाइट नहीं है। साफ सफाई की क्या व्यवस्था दिखाई दे रही है आपको? साफ सफाई देख रही है, आज सफाई नहीं हुई है। डॉक्टर राउंड पे भी नहीं आया आज? अभी नहीं आया आज डॉक्टर राउंड पे भी नहीं आया। यानी कुल मिला के ये कि आज का दिन पूरी अव्यवस्थाओं के हवाले है। ना तो जिला चिकित्सालय में लाइट है, ना ही सफाई व्यवस्था, ना ही डॉक्टर चेकअप के लिए आए, यही स्थिति है। जनरेटर, आपका जनरेटर भी चालू नहीं है यहाँ हॉस्पिटल में और ना ही इन्वर्टर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि कैसे मरीजों को आप पर्चे बना रहे हैं?
ऑफलाइन बना रहे हैं सर। ऑफलाइन बना रहे हैं, यानी आप हाथ से लिख के दे रहे हैं। हाथ से लिख के दे रहे हैं। कितना समय हो गया इस काम को करते हुए आपको? अभी 15 मिनट से मतलब लोग परेशान है लाइट नहीं होने की वजह से, और इन्वर्टर भी आपका खराब पड़ा हुआ है। सर, जिला चिकित्सालय में गंदगी फैली हुई है और जो सफाई कर्मी है वो स्ट्राइक पे है, तो सफाई को लेकर के आपने अभी तक क्या प्रयास किए और किन किन लोगों को नगर पालिका में अवगत कराया और क्यों सफाई नहीं हो पाई? हाँ, ये बात सही है कि आज जिला चिकित्सालय में सफाई कर्मचारियों के स्ट्राइक पर जाने के फलस्वरूप सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। इसके लिए हमने सफाई कर्मियों को समझाने का प्रयास भी किया, उनसे बात भी की, और जो भुगतान करने वाली कंपनी सेडमैप उनके अधिकारियों से भी उनकी बात कराई हमने। उन्होंने कहा था कि सोमवार को सबको पेमेंट कर देंगे वो पेमेंट, है ना। चूँकि बजट आवंटन नहीं हुआ है सफाई में, हमारे पास में मार्च से बजट आवंटन नहीं हुआ है, मार्च से बिल पेंडेंसी है, और सुरक्षा में दिसंबर माह से, दिसंबर 21 से बजट का आवंटन नहीं हुआ है, इस कारण बजट नहीं है, इतने बिल पेंडेंसी पड़ी हुई है, तो इस कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। और लेकिन हमने बात की उससे कंपनी से, तो वो देने को तैयार हो गई है, और इनके कर्मचारियों के नेताओं से भी हमने बात कराई कि भाई सोमवार को मिल जाएगा, लेकिन वो लोग शायद अभी काम पे वापस नहीं आ रहे हैं। मैंने सफाई व्यवस्था की विकल्प के रूप में नगर पालिका में सीएमओ साहब और स्वास्थ्य अधिकारी, इन दोनों से चर्चा की और उनसे आग्रह किया कि कुछ हमें नगर पालिका से सफाई कर्मी भेज दिए जाएँ, तो हम चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था करा दें। तो अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहाँ से कुछ हमें मदद मिल जाए तो हम करें। इसके अलावा हमने प्राइवेट में भी अपने आदमी लेने का प्रयास किया है, हमारे हमने कर्मचारी भेजे हैं वहाँ। अब प्राइवेट में कोई सफाई करने को तैयार हो जाता है तो हम उनके द्वारा भी जो है सफाई करवाएंगे। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है ठीक।